नाजरीन गुजरांवाला सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा है ट्रांसजेंडर कानून मुकम्मल तौर पर गैर शरी गैर कानूनी इस्लामी माशरत पर हमला और मुल्क में अरियानी और फाशी का रास्ता खोलने की साजिश है। मगरबी लाबी ने एजेंडे के तहत ट्रांसजेंडर कानून पाकिस्तान पर थोपा और मुल्क की हुक्मरान सियासी जमातें उनकी आला कार बनी। तमाम मजहबी जमातों ने उलमाए कराम दीनी नजरियाती फिक्र की हामिल शख्सियात ने इस कानून को मुस्तैद कर दिया है। हुकूमत ने 17 अक्टूबर तक ट्रांसजेंडर कानून वापस न लिया तो कौमी असम्बली सेनेट के साथ साथ चौकों चौराहों पर भी एहतजाज होगा। इन हालात का इजहार उन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट की दीनी इखलाकी और माशरती मुदमरात से आगाही के लिए जमात इस्लामी जिला गुजरांवाला के जेर एहतमाम सेमिनार से खिताब करते हुए किया। सेमिनार से अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब जावेद अहमद कसूरी सदर मिलिटरी काउंसिल पंजाब मौलाना जैदुर राशिदी असद महमूद सल्फी अमीर जमात इस्लाम जिला गुजरांवाला मजहर इकबाल रंधावा मौलाना जियाउर रहमान कासमी डॉक्टर अब्दुल्ला गौहर हाफिज गुलाम मुस्तफा अली रजा हसनी ने भी खिताब किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा हुक्मरान इस्लाम के खिलाफ कानून बनाकर तबाही की तरफ जा रहा है। ट्रांसजेंडर बिल कौम लूत की पैरवी है, इसके अजाब से डरे और इस शैतानी बिल को खत्म करें। उन्होंने ये बिल पाकिस्तान मफाद में नहीं, इसलिए शैतानी बिल को फिल फौर खत्म करके इस्लाम के नफाज की अमली कोशिश करनी चाहिए। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने ट्रांसजेंडर बिल को मुतनाज़िया और खिलाफ कुरान सुन्नत दर्जात की भरपूर वजाहत की और हाजरीन को बताया कि कैसे ये बिल असास पाकिस्तान और हमारे इस्लामी तहजीब और खानदानी निजाम को तबाह बर्बाद करेगा। उन्होंने कहा हमारा ईमान है कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल इस्लाम निजाम है। जमात इस्लामी की जदोजहद का मुज़क्कर महवर फर्द और माशरे की तामीर और पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना है। हम सऊदी मईशत के खिलाफ बरसर पेकार हैं और आवाम के हकूक की जंग पर सतह पर लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी समझती है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके ही हकीकी तब्दीली आ सकती है। उन्होंने कहा कि आवाम की बड़ी अक्सरियत मुल्क में इस्लामी निजाम चाहती है मगर मगरबी जर्रा सेकुलर हुक्मरान और उनके आका इस सिलसिले में बड़ी रुकावट है। आवाम को साजिश के तहत इस्लामी निजाम पर दौर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कौम मुल्क में इस्लामी निजाम के नफाज के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। मुकर्ररीन ने कहा है कि ट्रांसजेंडर कानून मुकम्मल तौर पर गैर शरी गैर कानूनी इस्लामी माशरत पर हमला और मुल्क में अरियानी फाशी का रास्ता खोलने की साजिश है। मगरबी लाबी ने एजेंडे के तहत पाकिस्तान पर थोपा सियासी जमातें आलाकार बनी। तमाम मजहबी जमातों का और दीनी नजरियाती फिक्र की हामिल शख्सियात ने मुस्तरद कर दिया है।